अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। अभी तक आपको आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, कितने टाइप के हैं, क्या खास बात है, आपको सब कुछ बताया जा चुका है। और अब हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहा जाता है, इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है और क्या क्या मेन बात इसमें याद रखनी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मीनिंग है, इट इज द बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सक्लूसिव शेयरिंग। जब शेयर्ड पेयर एक एटम कंट्रीब्यूट करता है लेकिन दोनों उसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एटम ए है और इसका ऑक्टेट पूरा है, इसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन हैं। एटम बी है, यहां इसके पास सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो होगा ये कि एटम ए अपने दो इलेक्ट्रॉन एटम बी को यूज करने के लिए देगा और इस तरीके से एटम ए डोनर कहलाया जाएगा और एटम बी गेनर कहलाया जाएगा। यानी शेयर्ड पेयर कंट्रीब्यूटेड बाय वन बट यूज्ड बाय बोथ। तो इस तरह की शेयरिंग को एक्सक्लूसिव शेयरिंग कहा जाता है। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसे डोनर टेल साइड पे रिप्रेजेंट किया जाएगा और जिसने इलेक्ट्रॉन का यूज किया, इस्तेमाल किया, उसे गेनर हेड साइड पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसे हम सेमी पोलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। सो ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ पार्शियल चार्जेस दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी पोलर बॉन्ड, और डेटिव बॉन्ड भी इसको कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के तीन नाम होंगे, कोऑर्डिनेट, सेमीपोलर, डेटिव बॉन्ड, तीन नाम से हम इसको पहचानेंगे, आइडेंटिफाई यहां पर कर पाएंगे। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो तरह का होगा, एक सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसे कहा जा सकता है और एक हमारे पास पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होगा समझना होगा, जब एक एटम का फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप करता है। जब एक का फिल्ड ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन है यहां नहीं है, अब एक का फिल्ड दूसरे के वेकेंट के साथ अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग करता है, इस तरह से बनने वाले बॉन्ड को हम सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अमोनिया है, यहां फिल्ड ऑर्बिटल है, H पॉजिटिव है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन के पास फिल्ड ऑर्बिटल है, यहां वेकेंट ऑर्बिटल है। अब होगा क्या, फिल्ड ऑर्बिटल और वेकेंट ऑर्बिटल ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और इस तरीके से सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां फॉर्म होगा। स्ट्रक्चर वाइज भी देख सकते हैं, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो, नहीं तो मैं यहां बता देता हूं, पिरामिडल शेप, ये है फिल्ड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का वेकेंट ऑर्बिटल, फिल्ड और वेकेंट आपस में ओवरलैप हो जाएंगे और इस तरह से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैपिंग होगी और यहां पर ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाया जाएगा। तो एक का फील्ड, एक का वेकेंट। अगर एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल है, एस पी ओवरलैप कहा जाएगा, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल है, पी पी ओवरलैप कहा जाएगा, डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल है, डी डी ओवरलैप कहा जाएगा, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल है, पी डी ओवरलैप कहा जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की टाइप। ये हमने बताया एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप थर्ड हो गया, पीपी ओवरलैप फोर्थ हो गया, पीडी ओवरलैप और फिर डीडी। जिस तरह का ऑर्बिटल इन्वॉल्व है उसी तरह का सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, चाहे सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इतनी तरह से ये फॉर्म होगा। अच्छे से ध्यान रखना, चीजों को आसानी से बता रहे हैं
लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होंगी। इस तरह से आप सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये था सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगला है आपके पास पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फेमस नेम है पाई बैक बॉन्ड कहा जाता है। पाई कोऑर्डिनेट कह सकते हैं या पाई बैक बॉन्ड कह सकते हैं। मतलब ये है एक का फिल्ड ऑर्बिटल, दूसरे का वेकेंट ऑर्बिटल, ये साइडवेज ओवरलैप करते हैं। अगर साइडवेज ओवरलैपिंग है तो साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। एक का फील्ड दूसरे का वेकेंट, इसे पाई बैक बॉन्ड के नाम से पहचाना जाएगा। अगर पी और पी ऑर्बिटल हैं, तो हम इसे क्या नाम देंगे, पी पाई बैक बॉन्ड इसे कहा जाएगा। अगर एक पी और एक डी होता, पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड कहा जाता। अगर एक डी होता दूसरा डी होता, डी पाई बैक बॉन्ड इसे कहा जाता। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सक्लूसिव शेयरिंग से बनता है। नेचर मैग्नेटिक इंटरेक्शन इसे कहा जाएगा। दो टाइप का कोवेलेंट कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड एटसेट्रा, सिग्मा और पाई दो तरह का, और पाई बैक बॉन्ड ये हमने देख ही लिया कैसे बनता है। अब कुछ एग्जाम्पल आते हैं, कई बार आपसे कहेंगे पहचानो इसमें सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हमने ऑक्सीडेशन नंबर वाले लेक्चर्स में भी दी है, जहां बच्चों ने कमेंट सेक्शन में काफी क्वेश्चन पूछे हैं रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। क्योंकि उनको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता तो वो जवाब नहीं दे पाए। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से, यहां पर ये है पहला नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड, ये है नॉर्मल पाई बॉन्ड, और ये है आपके पास पाई बैक बॉन्ड। हर तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट है। सिग्मा बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड भी है, सिग्मा भी है, पाई भी है, और पाई बैक बॉन्ड भी यहां पर प्रेजेंट। ऐसे ही एक और एग्जांपल आपको करना चाहिए अमोनियम आयन का, या मैं अमोनियम क्लोराइड ले लेता हूं। अमोनियम क्लोराइड में कितने बॉन्ड हैं देखना जरा। अमोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, तो आयन्स हैं, तो पहला बॉन्ड हो गया आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट। अब अमोनियम आयन को देखो, अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर अभी आपको बताया था। यहां पर आप देख सकते हो ये है कोवेलेंट कोवेलेंट कोवेलेंट, और ये है कोऑर्डिनेट। तो इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, हर तरह का बॉन्ड यहां प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कितने तरह के बॉन्ड हैं, क्या हैं, ये सभी चीज आपको आनी चाहिए, आपसे पूछी जाती है। ऐसे ही एक और सोडियम थायोसल्फेट, जिसे हाइपो भी कहा जाता है, इसका स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। सोडियम ऑक्सीजन सल्फर एटसेट्रा, इस तरह से ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा। सल्फर कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहा है, कोऑर्डिनेट भी बना रहा है, ये सल्फर सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। सिमिलरली हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, ये दोनों चीजें भी याद रखिएगा। काफी प्रॉब्लम्स कॉम्पिटेटिव में आ सकती हैं जो हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड की हो, तो डायरेक्ट जवाब देने से पहले स्ट्रक्चर देख लेना है। कार्बन मोनोऑक्साइड की हो, डायरेक्ट जवाब देने से पहले स्ट्रक्चर देख लेना है और तब इनका आंसर देना है। तो अभी तक के वीडियो के अंदर हम सीख चुके हैं कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है। अब इन बेसिक बॉन्ड्स को अगर हम जान गए तो बाकी की चीजें तो खास मुश्किल बचती ही नहीं है। तो इसीलिए देखते रहिए, तैयारी करते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। ऑल द बेस्ट।